तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाएंगे जो स्टार चांदनी जो पौधा होते हैं, जो कि ये पौधा ये जो रहते हैं स्टार चांदनी, ये बड़े बोनसाई टाइप का होते हैं। ये बोनसाई टाइप का होता है। ये देखिए इसमें बढ़िया फूल है। ये ज़्यादा हाइट नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हाइटलेस में है ये। इसमें सफ़ेद कलर का बारह माह इसमें फूल रहेगा, सदाबहार जैसे हमेशा फूल रहता है इसमें। ये पौधा हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो कम से कम 100 रुपया 150 रुपया पौधे के साइज़ के हिसाब से ख़रीदना पड़ता है, जबकि ये पौधा हम घर में आराम से बना सकते हैं। इसके लिए ना कोई पैसा का ज़रूरत है ना कुछ, इसके लिए 2-4 रुपये की खर्चा आते हैं बस। तो कैसे बनाया जाए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे बनाना चाहिए इसको, कैसे बनाया जाए। आप लोग भी देखिए, इसी तरह आप लोग भी बनाएंगे घर में। चलिए, इसको मैं कुछ महीने पहले बनाए थे तो इसको हम साइड में रखते हैं। और एक पौधा से, ये पौधा भी पॉलीथीन में लगा हुआ है तो इसी से हम कटिंग लेंगे, ठीक है। एक कटर के से कटेंगे उसका आराम से। ये देखिए, कटिंग ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, कटिंग हमेशा छोटा ही लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कटिंग ले रहे हैं, कहीं से कट लेते हैं। चलिए, ये पौधा को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक कटिंग इसका, ऐसे इसको कट लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच करीबन है ये कटिंग, तो ठीक है। कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। और मिट्टी, जो मिट्टी लेना है पहले, तो मिट्टी गमले में मैं लेके रखा हूँ। ये देखिए, ये साइड में मिट्टी है ये, और ये पुराना गोबर की खाद, जो इसको एक साथ मिक्स करना है। ये देखिए, गमले में मैं मिक्स कर रहा हूँ, बारिश का मौसम है, नीचे गीला है इसीलिए हम नीचे मिला नहीं सकते, इसे गमले के ऊपर ही मैं इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा मिल चुका है मिट्टी। मिलाने के बाद लिया मैं पॉलीथीन। हाँ, ये पॉलीथीन में क्या है, पहले से एक सेद रहता है। ये देखिए, ये एक नहीं, कोई सेद रहता है। ये देखिए, नीचे भी से सब जगह सेद है, ताकि इसमें जो पानी जब हम डालेंगे तो ओवर पानी जो होता है वो साइड से, वो सेद से निकाल जाएंगे, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतने रहेंगे। चलिए, इसमें पहले मिट्टी भरते हैं, पहले ऐसे आराम से भरना है इसमें मिट्टी। वो जो मिलाया हुआ मिट्टी है गोबर खाद के साथ, वो सब मिलाया हुआ, बस ऐसे मिलाना है, बस इसको भरना है। और भरिए थोड़ा, हाँ बस भर गया, भर चुका है। तो जब भर चुका है तो इसको पहले गमले को साइड कर देते, पहले गमले को साइड कर देते, इसे टूल पर रख लिया मैं। और देना है इसमें क्या, मेडिसिन। कौन सा मेडिसिन, ये जो है आप देख लीजिए, रूटिंग हार्मोन्स पाउडर। ये कोई भी कीटनाशक दुकान में आप जाइए, कोई भी कृषि सेवा केंद्र जाइए, आप जैसे कहेंगे कि कितना ये जो रूटिंग हार्मोन्स पाउडर है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। इसका यहाँ MRP लिखा है, ये देखिए, शायद आपको छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। 65 रुपीज़ इसका MRP लिखा हुआ है, मेरे को तो 50 रुपये में ही दिए है ये। तो इसमें क्या है, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पाउडर फॉर्म में है। इसको एक मैं कटोरी, ये कटोरी में ले लेते हैं। कटोरी भी सफ़ेद है और पाउडर भी सफ़ेद है, तो आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो वो जैसे आप जिस टाइम आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा मिट्टी देना, ये पानी देना है। ये देखिए, पानी ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद में काम हो जाता है, बस हल्का थोड़ा गीला करना है बस। तो ठीक है, पानी डाल दिया थोड़ा सा, 2-4 बूंद। अब क्या है, वो जो कटिंग में काटे थे, कटिंग के निचले हिस्सा, ये तो ऊपरी हिस्सा हो गया, ये निचले हिस्सा, निचले हिस्सा से कैसे करना है, उसको थोड़ा मिक्स करना है, ताकि कटिंग में भी लग जाएंगे और इसमें भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये मैं लगा चुका हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह लग चुका है नीचे। एंटी फंगस है ये, एंटी फंगस के कारण इसमें क्या है, फंगस नहीं लगते, सड़ते नहीं सड़ेंगे तो आराम से इसमें रूटिंग आना चालू हो जाएगा और पौधा ग्रो करना चालू हो जाएगा। एक दिन ये बढ़िया पौधा तैयार हो जाएगा। चलिए, इसको मैं साइड कर दिया हूँ। अब इसको ऐसे जो पॉलीथीन में जो मैं मिट्टी भर के रखे थे वहाँ इसको लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, ठीक है। ये लग चुका है, कुछ दिन बाद 20 से 25 दिन के अंदर क्या है, ये आपका ग्रो करना चालू हो जाएगा। करीब मैं 3-4 महीने पहले मैं जो लगाए थे वो आज के डेट में, ये देखिए, बढ़िया फूल दे रहा है ये पौधा। ये मैं पहले भी आपको ये दिखाया हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया पौधा हो चुका है, जबकि आज के डेट में मार्केट में इसका कीमत लगभग 100 रुपये है।
तो ऐसे आप बनाइए। जो पौधा आपको 2 रुपया में तैयार होता है वो बाज़ार से ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप घर में भी थोड़ी सी मेहनत करके आप आराम से बना सकते हो। तो मैं इसमें पानी डालने में थोड़ा लेट हो गया मेरा, सॉरी इसके लिए। इसमें पानी डालना है, देखिए बस लगाने के बाद इसमें पानी डालना है, बस ज़्यादा नहीं। जो बारिश के मौसम है, मौसम के हिसाब से, बारिश के मौसम में तो कम से कम आप हफ्ता में एक बार पानी डालने से भी हो सकता है। बस तो वीडियो यहीं तक एंड कर रहा हूँ। खुश रहिए।